बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का आज बहुमत परीक्षण है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अब उनके साथ उप मुख्यमंत्री है, लेकिन दोनों ही अपनी ही सरकार के पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे। बिहार में 14 दिन पहले बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सोमवार दोपहर बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने उतरेगी, लेकिन इस बहुमत परीक्षण में न तो सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार के पक्ष में वोट कर सकेंगे और न ही उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वोट कर सकेंगे। दोनों बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान रहेंगे भी और बहुमत साबित करने में विधायकों को जुटाने में ताकत भी झोंकेंगे, लेकिन खुद दोनों वोट नहीं कर सकेंगे। दोनों के पास इसका अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार को बहुमत है या नहीं इसका फैसला विधानसभा के सदस्यों की संख्या बल से होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों ही बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, मतलब सीधे जनता से चुनकर नहीं आए हैं, दोनों ही बिहार विधान परिषद के सदस्य है। ऐसे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होने के नाते दोनों विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान मौजूद तो रहेंगे, लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं होने के कारण वोट नहीं डाल सकेंगे। बिहार विधानसभा में जदयू के 45 विधायक है, लेकिन विधान परिषद सदस्य नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। इसी तरह 78 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधान परिषद के सदस्य सम्राट चौधरी को सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार चलाने का जनादेश हासिल किया था। बीच में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया था और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वाम दलों के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार चलाने के लिए कुर्सी पर थे। जब तक वह महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर रहे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष में सम्राट चौधरी उन पर हमलावर रहे। 28 जनवरी को सरकार बदलने के पहले उन्हें दिल्ली तलब किया गया था और हमला रोकने की सलाह दी गई थी। उसके बाद उनके तेवर ढीले हुए और फिर 28 जनवरी को नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम बनते ही अब दोनों साथ हैं और सोमवार को सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान 122 के जादुई आंकड़े से अधिक अपने 128 समर्थक विधायकों की बिहार विधानसभा में ताकत दिखाने की तैयारी में है। फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में जाते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि खेला हो गया, बच्चे को खिलौना मिल गया और बच्चे के लिए खिलौना लेकर आए हैं फतेह होगा। वही आज विधानसभा में जैसे ही स्पीकर के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आएगा उसको चेयर छोड़ना होगा। डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब तक वह अध्यक्षता नहीं करते हैं, उनकी जगह डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सभी जदयू विधायकों को लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत सभी भाजपा विधायक भी विधानसभा पहुंचे। भाजपा विधायकों ने विक्ट्री का साइन दिखाया। वह दावा कर रहे हैं फ्लोर टेस्ट में एनडीए बहुमत साबित कर देगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।